बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को गुरुवार सुबह धमकी मिली। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सलीम खान जब बेंच पर बैठे आराम कर रहे थे, उसी समय गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ से बैंड स्टैंड की तरफ स्कूटी पर एक शख्स जा रहा था। उसके पीछे एक बुर्का पहने महिला बैठी थी। महिला ने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या। स्कूटी का नंबर 7444 था। पुलिस फिलहाल स्कूटी वाले की तलाश में जुटी है। यह घटना सुबह 9:15 बजे घटी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस फिलहाल संदिग्धों की पहचान करने की उम्मीद में इलाके की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है। जांच जारी है और हम जिम्मेदार लोगों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर दो लोगों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।